अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते हैं, टर बनना है टर डॉक्टर 1,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं मूव मीडिया, आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। एलोपैथ चिकित्सा और डॉक्टरों की मौत पर सवाल उठाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो हाल ही में सामने आया है, जहां पर वह हंसते हुए मीडिया से बोलते हैं कि किसी का बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महा ठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा, बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते हैं, टर बनना है टर डॉक्टर। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? कितने? 1,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है, विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, इस वीडियो में रामदेव 1,000 डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं, साथ ही वैक्सीनेशन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बाबा रामदेव की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने ट्विटर पर पीएमओ को टैग करते हुए ये ट्वीट किया कि सरकार की इतनी दुर्गति धिक्कार है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हस्तक्षेप कर रामदेव को पत्र लिखा, अपना बयान वापस लेने की सलाह दी। रामदेव ने भी सोशल मीडिया पर अपना बयान वापस ले लिया और डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र भी लिखा और सफाई भी दी। खास बात तो यह है कि इस पत्र में उन्होंने आहत लोगों से माफ़ी नहीं मांगी है। दरअसल बाबा रामदेव ने कुछ समय पहले ही डॉक्टरों और उनकी डिग्री पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू हो गई। ऐसी ही देश दुनिया की खबर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।